हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमर एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसे घर के सारे कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे। उसके परिवार में उसकी मम्मी राधा और पिता रमेश और उसकी बहन रोली रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के पास सिमर के लिए प्रेम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और फिर अगले हफ्ते शादी का दिन आ जाता है। सिमर मंडप में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उसके फोन पर डांस कंपटीशन नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसका हमेशा से ही सपना रहा था और उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। तभी वो रोली से बोलती है, रोली एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दीदी आप इतना पैनिक क्यों हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोली मैं बरसों से जिस चीज का सपना देख रही थी आज वो पूरी होने वाली है, और दूसरी तरफ प्रेम जी से मेरी शादी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सपने को चुनूं या अपनी शादी को। दीदी ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, अभी मंडप में जाने के लिए आपको सब बुलाने आने वाले हैं, बताओ आपका क्या दिल कर रहा है। रोली मैं अपना डांस का सपना पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या दीदी? तुझे मेरी जगह मंडप में प्रेम जी के साथ बैठना होगा, जब तक मैं अपना डांस कंपटीशन कंप्लीट करके ना आ जाऊँ। नहीं दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बहुत रिस्क है, अगर आपको टाइम लग गया या फिर किसी को पता चल गया तो। मुझे तुझ पर भरोसा है रोली कि तू सब संभाल लेगी, अब ज्यादा देरी मत कर, ये ले मेरी शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। इतना बोलकर सिमर खिड़की से रस्सी के सहारे उतर जाती है और कंपटीशन में पहुंचती है। और जहां पर एक तरफ वो स्टेज पर परफॉर्म करने जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोली घूंघट में प्रेम के साथ मंडप में चली जाती है और रोली शादी के रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। सिमर के देर से आने की वजह से रोली प्रेम की पत्नी बन जाती है और ये देख कर सिमर बिल्कुल टूट जाती है। अपना सपना पूरा करके वो कंपटीशन तो जीत लेती है, मगर प्रेम की पत्नी बनने में वो हार जाती है। किसी ना किसी तरह से मंडप पर बैठी हुई परेशान रोली अपने कमरे में वापस लौटती है और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं और बोलती हैं, रोली मैंने आने में बहुत देर कर दी, अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो। दीदी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से आई हूँ, अब ये लीजिए अपना जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ आपको विदाई के लिए बुलाने आती ही होंगी। पर रोली, दीदी अब कहने का वक्त नहीं है, समझिए। इतना कहकर सिमर दुल्हन के जोड़े में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तैयार हो जाती है और फिर वो सभी के सामने नीचे पहुंचती है, जहां पर उसकी विदाई होती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां पर बड़ी ही हंसी खुशी उसका गृह प्रवेश किया जाता है और सिमर को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब वहां पर प्रेम आता है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिमर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी पत्नी है, आप बहुत अच्छी हैं सिमर। प्रेम जी मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप समझ रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप भी ना, चलिए छोड़िए आज हमारी बातें करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। इतना बोलकर प्रेम सिमर को हग कर लेता है और तभी वो कहती है, बस प्रेम जी मेरे करीब मत आइए, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी मुझसे नहीं बल्कि रोली से हुई है। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ। सिमर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिमर उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने ये सब अपने डांस कंपटीशन की वजह से किया और साथ ही ये सारी चीजें अनजाने में हुई है। प्रेम को इस बात से बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है, सिमर तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए तीन तीन जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी बहन के साथ ही तुमने ऐसे कर दिया। छी सिमर, और दोनों घर वालों को आपने धोखा दिया, कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं आप ये सब। प्रेम जी मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। सिमर तुमने ये सब खराब कर दिया,
दोनों के बीच की ये बातें उसकी सास निर्मला सुन लेती है और उनके कमरे में आकर सिमर को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की? अरे यही सिखाया है क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? तुम्हारे पैर नहीं कांपे क्या इतना बड़ा कदम उठाते हुए? माता जी मुझसे ये सब जाने अनजाने में हो गया। मैं रोली के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं रोली क्या, मैं तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने, अब सीधा तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी मैं। माता जी तुरंत उसके घर वालों को बुलाती है और घर में सभी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में प्रेम का छोटा भाई सिद्धांत भी। सिमर के माता पिता उसके इस कारनामे से बिल्कुल अनजान थे और उनके आने के बाद माताजी सिमर की सारी बातें उन्हें अच्छे से बताती है। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, पर मैं प्रेम जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रमेश जी, हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब हो गई है, रोली के इसके में क्या कसूर था? कौन करेगा मेरी बच्चियों से शादी? आंटी जी, मैं अपनाऊंगा आपकी बेटी रोली को, मैं थामूंगा उनका हाथ और प्रेम भैया रोली से डिवोर्स ले लेंगे और वो फिर से सिमर भाभी से शादी कर लेंगे और मैं रोली से शादी कर लूंगा। सिद्धांत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अरे तुझे भी इन तीनों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? एक बेटे के साथ तो हो गया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। माता जी, बात को समझिए, इसमें सबकी भलाई है, समझने की कोशिश कीजिए। भैया भाभी की जिंदगी भी बच जाएगी और रोली की भी। रोली जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? विल यू मैरी मी? देखिए, मैं आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रहा, अच्छे से सोच लीजिए। हाँ सिद्धांत, मैंने सोच लिया है कि मैं आप ही से शादी करूंगी। भैया, अंकल, आंटी जी, क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया है? मैं रोली से शादी कर सकता हूँ ना? हाँ बेटा, कर सकते हो, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है। हाँ सिद्धांत, आई एम प्राउड ऑफ यू। माता जी, सिद्धांत और बाकी सभी घर वालों के लाख समझाने पर माता जी ये बात अच्छे से समझ जाती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो चारों बच्चों की शादी करवाने को राजी हो जाती है। जहाँ प्रेम और रोली के डिवोर्स के बाद अगले ही दिन एक और मंडप सजाया जाता है और वहाँ पर सिमर की शादी प्रेम के साथ और दूसरी तरफ सिद्धांत की शादी रोली के साथ होती है और इस तरह सिमर का ससुराल भी सवर जाता है और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। साथ ही दोनों परिवार अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो वही सिमर और रोली दोनों बहनें मिलकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। इस सबसे माता जी को भी बहुत खुशी होती है और उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों बहनें एक राजकुमार को और एक राजकुमारी को जन्म देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।